और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। उसके लिए हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहां भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग बैठे हुए हैं, जो अटके हुए हैं, उनके प्रति भारत सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को और देश की जनता को उनकी सबकी बहुत चिंता है और हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि किसी भी प्रकार से उनकी जान बचाए, उनको बाहर निकाले। आज करीब दो घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहां काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्ट्राटा नहीं है। जियोलॉजी में अलग अलग रॉक के लिए अलग अलग प्रकार का हार्डनेस होता है, जैसे टाल, जिप्सम, कैल्साइट, एपेटाइट, ऑर्थोक्लेट, स्पार्स, कोरंडम, डायमंड। तो डायमंड सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है। यहाँ क्या है कि बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई है, टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। उत्तराखंड के सरकार, उनके मुख्य सचिव और उनकी पूरा सहयोग है, और NHIDCL ये भी इसमें विशेष रूप से, हमारे महमूद करके एडिशनल सेक्रेटरी जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, वो भी काम कर रहे हैं। ये जो ऑगर मशीन है, ये अगर ठीक से चल गई तो हम 2-2.5 दिन में वहां तक पहुंच सकते हैं, और वो भी प्रयास सबसे नजदीक होने वाला है। पर इसके अलावा अलग अलग प्रयास, चाहे कितने भी दिन के हो, अगर उसके लिए भी हमने वर्टिकल भी अनेक प्रकार से जगह देकर वहां भी अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमालय की जियोलॉजी ऐसी है कि ना, यह हार्ड पत्थर है। मैं महाराष्ट्र से हूं तो हमारे यहाँ पहाड़ मतलब होता है पत्थर, पर्याय नाम। तो दक्खन का जो डेक्कन है, का पूरा बेसाल्ट है, वो पत्थर है, हार्ड होता है। मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे में करीब 5-6 टनल बनाई, तो अभी तक हमारे मन में यही परसेप्शन था कि पत्थर है। जब मैं अभी मनाली में गया तब मेरे ध्यान में आया कि हिमालय ऐसा है कि छोटे छोटे पत्थर है और मेजोरिटी स्ट्राटा ऐसा है कि उसमें मिट्टी है, और वो एक जगह ऊपर उसका पहाड़ तैयार हुआ है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टेरिन है, फिर भी हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। आज परिवारजनों को भी मैं मिला, मुख्यमंत्री जी और मैं, उनको भी हमने हिम्मत दी है, और हमें विश्वास है कि निश्चित रूप से हम सफल होंगे।